वाला किसान ने पर लुटवा दे किसान ने दी और डीलर फोर्सी मरी आखा दे के 275 रुपए की कन्ने एक तोड़े कन्ने लेना के लेना जेड़ा के किसान आखदा इदी जरूरत नहीं है असें नहीं लेना ए जड़ी सब तो बड़ी मांग है जेड़ा जुर्म हो रहा है ए जरूर सुलाना है सरकार तक ये जुर्म भी रोकया जाए। खाद और बीज फ्री ऑफ कॉस्ट दिता जाए लेकिन सब तो बड़ी मांग अज जुल्म हो रहा किसानों पर नायब तहसीलदार साहब गवर्नर साहब की तक गल पुजाओ ए जुल्म है 275 रुपए की बोतल डीएपी दे कन्ने दिती जा रही है जबकि डीएपी दी कन्ने एदी जरूरत नहीं है आज नैनो खाद दी। डीएपी के साथ नैनो यूरिया देना बंद करो बंद करो बंद करो। डीलरों पर रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ। किसानों पे जाति करना बंद करो बंद करो बंद करो। किसानों पे जाति करना बंद करो बंद करो बंद करो। मोदी सरकार किसानों पे जुल्म करना बंद करो बंद करो बंद करो। गवर्नर सरकार मोदी सरकार बंद करो। जम्मू कश्मीर किसान तारीख जिंदाबाद जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर किसान तारीख जिंदाबाद जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं इंसाफ हम क्या चाहते हैं इंसाफ हम क्या चाहते हैं इंसाफ कहते हैं। जो अभी बारिश हुई है बारिश से हमारी बासमती की फसल बहुत ख़राब हो गई है उसके बारे में है उसका मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि हमारा इंश्योरेंस काट रही है कंपनियां फिर गवर्नमेंट को देने में प्रॉब्लम क्या है जब इंश्योरेंस हमारा हर 6 महीने के बाद काट रहे हैं तो फिर इंश्योरेंस हमें देने में प्रॉब्लम क्या है। जो हमारा ख़राबा हुआ है उसके ऊपर हमें मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए ताकि लोगों को अगली फसल लगाने के लिए कुछ मदद मिल सके। दूसरा खाद बीज के लिए हम बोल रहे हैं कि फ्री मिलना चाहिए वो फ्री की तो कहीं बात दूर रह गई अभी हमें चाहिए डीएपी डाई और दे रहे हैं उसके साथ एक नैना यूरिया की बोतल। ये हालत है इसके ऊपर जो प्रिंट रेट है 240 रुपये है इस बोतल के ऊपर और डीलर लगा रहे हैं 275 रुपया बोल रहे हैं कि साढ़े अगर ये बोतल नहीं लेनी तो 1450 का कट्टा बेचेंगे हम डीएपी का। बताओ 1250 रुपये रेट है डाई का ले रहे हैं हमारे से 1575 रुपये। किसान को मदद कर रहे हैं या किसान को लूट रहे हैं? गवर्नमेंट खुद लुटा रही है हम लोगों को हमारा नुकसान कराने में शामिल है गवर्नमेंट। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन डीलरों को बताया जाए अभी हमें डीएपी की ज़रूरत है यूरिया की ज़रूरत नहीं है। जब यूरिया की ज़रूरत होगी तब यूरिया की बात करेंगे हम। आज हमें डीएपी चाहिए डीएपी के साथ यूरिया नहीं चाहिए। ये जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को ऑर्डर दे और नैनो यूरिया हमें। सबसे बड़ा पहले तो हमारा प्रोटेस्ट है जालाबारी हुआ है पिछले दिनों पे उसमें कंपनसेशन की मांग की है हमने कि किसानों को कंपनसेशन दिया जाए जल्दी से जल्दी। उस डिमांड के लिए आज हमने एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है जिसके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं। गवर्नर साहब से हमारी अपील है कि वो कंपनसेशन जल्दी से जल्दी किसानों को दिया जाए। उसमें कंपनसेशन में हमारी डिमांड है 5000 रुपया पर कनाल का कंपनसेशन दिया जाए और केसीसी लोन जो है माफ़ किए जाएँ किसानों के। और उसके बाद केसीसी लोन माफ़ करने के बाद जो नई फसल अभी वीट की जिसको गेहूं की फसल कहते हैं उस फसल को किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट बीज दिया जाए और खाद दी जाए। ये तीन बातें हमारी अपील है गवर्नर साहब से। अगर किसानों को बचाना है और किसानों को अगर किसानों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं उसको रोकने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज किसानों पर जुल्म हो रहा है वो ये है आपके सामने नैनो यूरिया जो सरकार जबरदस्ती अपने चहेतों को और जो अपने डीलरशिप को सारों को डीएपी के तोड़े के साथ 275 रुपए का ये नैनो यूरिया जबरदस्ती दे रही है जो किसान की जरूरत नहीं है। इस पर डीएपी की जरूरत है। इस वक्त किसान को इस यूरिया की जरूरत नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है नैनो यूरिया दे रही है। हमारी डिमांड है कि सरकार से अपील है कि नैनो यूरिया देना बंद करे। डीलरों को कहे डीएपी दे
और DAP की जरूरत है किसानों को। मैं यही कहूँगा कि नैनो यूरिया पर रोक लगाई जाए। जो प्रोटेस्ट है वो सबसे पहले तो जो पिछले दिनों बेमौसमी बारिश से जो बासमती की फसल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसके लिए हमारी डिमांड है कि 5,000 रुपया पर कनाल किसान को मुआवजा दिया जाए और आने वाली गेहूं की फसल के लिए खाद और बीज किसानों को दोनों ही चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट दी जाएं, ताकि किसान का थोड़ा सा जो नुकसान जो ज़्यादा हुआ है उसकी भरपाई की जाए। और हम चाहते हैं कि जो आज किसानों के साथ खाद की डाई के साथ इस वक्त जो डाई की ज़रूरत है, इस वक्त नैनो खाद की ज़रूरत नहीं है किसानों को, मगर डीलर जो है ज़बरदस्ती किसानों को कह रहे हैं अगर डाई लेनी है तो नैनो यूरिया भी साथ में लेना पड़ेगा। एक किसानों के साथ बहुत ज़बरदस्त धक्का हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सरकार फौरी तौर पे डीलरों के ऊपर लगाम लगाए, ताकि ये जो नैनो खाद ज़बरदस्ती किसानों को दी जा रही है ये बंद हो, क्योंकि आगे ही किसान जो है वो फसल मार की चपेट में आ चुका है, किसानों का बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो चुका है। ऊपर से जो डीलर हैं जो मन मर्जी से नैनो खाद ज़बरदस्ती से दे रहे हैं। एक हम और भी डिमांड करते हैं कि जो किसानों को सम्मान निधि जो 2,000 रुपया किसानों को मिलता है, वो 2,000 सिर्फ कुछ लोगों तक ही पहुंच रहा है, बाकी जो लाटमेंट जो लोकल लाटमेंट है वो भी उन्होंने बंद करके रखा है। सिर्फ ड्रामा रखा है सरकार ने कि हम 2,000 रुपया किसानों को देते हैं, मगर वो 2,000 भी चंद लोगों तक पहुंचता है, जो हमारे गरीब किसान हैं उनका तक नहीं पहुंच रहा। हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे सरकार वो भी लागू करे।